हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैक या नबी अल्लाह अल्लाह रहीम करीम अकरम अल्लाह कुल जहान बनान वाला उस दे हुकम उते ही चलन हकूमतां सब हुकम हाकमा उते चलान वाला कौन दम मारे उस दे कम अंदर हर हर कम विच हिकमत बनान वाला लाल हुसैन तमाम मखलूक विचों रखया रुतबा आला इंसान वाला और करा की तारीफ में इंसान ने खाकी तारीफ नबी दे विच आसमान हुंदी साबती सिद्दक यकीन कर ले शान नबी दी नहीं बयान हुंदी और करा की तारीफ में इंसान खाकी तारीफ नबी दी विच आसमान हुंदी उस नु लोड़ होर दलील कोई जिसने पढ़ी हुई किताब कुरान हुंदी लाल हुसैन रसूल दा जिक्र करया ताजगी विच ईमान हुंदी मेरे भाइयों और बुजुर्गों मेरी माओ बहनों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू मेरे भाइयों तमाम तारीफें उस खालिके कायनात के लिए हैं जिसने हम सबको पैदा किया है और बेशुमार दरूद व सलाम उस हस्ती मुहतशम पर जो हमारा दरूद पाक पढ़ने के मोहताज नहीं अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते प्यारे आका करीम पर दरूद पाक पढ़ रहे हैं अजीब फैज है आका तेरी मोहब्बत का दरूद तुझ पर पढ़ूं और खुद सबर जाऊं सुभान अल्लाह और मेरे भाइयों ये तो लग ही नहीं रहा कि हम नवाकोट की महफिल में बैठे हैं बल्कि रूहानियत का एक ऐसा समा है यूं महसूस हो रहा है कि हम गुंबदे खजरा के सामने बैठे हैं सुभान अल्लाह मोहब्बत मुस्तफा जिसके सीने में है कहीं भी रहे वो मदीने में है हजूर अपनी महफिल में है जलवा कर समझ लो ये महफिल मदीने में है सुभान अल्लाह और मेरे भाइयों महफिल 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 इस चीज का नाम नहीं कि हजारों लोगों का इजतमा हो बल्कि महफिल महफिल बनती ही तब है जब अंदर महफिल लगी हो जब दिल में महफिल लगी हो जब तक अंदर महफिल ना लगे जिसकी तार गुंबदे खजरा से ना जुड़े उस वक्त तक महफिल में बैठने का मकसद हासिल नहीं होता और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत महफिल का एहतमाम है इंतहाई आलीशान एहतमाम है इस अजीमुल शान महफिल के एहतमाम पर मैं मुहतरम जनाब अंकल मलक मलंगा साहब के लिए दुआगो हूँ अल्लाह पाक मेरे अंकल जी को और अंकल जी के साथियों को आप सब के और मेरे अंकल जी के हम सब के माल जान इज्जत व आबरू रोजी रिज़्ज़त अमल घर कारोबार दस्तरखान औलाद जिंदगी इबादत इखलास इखलाक सादगी आजजी और उम्र में
बरकतें रहमतें अरूज व बुलंदियां अता फरमाए। बोलो आमीन। और मेरी दिल से दुआ है जो मेरी माएँ बहनें बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको नेक औलाद अता फरमाए। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए। सारे बोलो आमीन। अच्छा मेरे भाइयों, एडी खामोशी नाल ते बंदा कुलां दे खत्म विच नहीं बैंदा जिन्नी खामोशी नाल तुसी बैठे हो। अच्छा जी, मैनू ना एक हदीस आउंदी है ते जे तुहाडा दिल है ते मैं हदीस सुना देना। हो सकता है हदीस सुन के तुसी सुभान अल्लाह बोली दा बोली दा। सुभान अल्लाह। अच्छा हदीस सुनो फिर। मेरे नबी पाक ने फरमाया, लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा कोई भी गुलाम ऐसा नहीं कि जेड़ा मेरे ते दरूद ओ सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, लैस मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा कोई भी गुलाम ऐसा नहीं कि जेड़ा मेरे ते दरूद ओ सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। सुभान अल्लाह। सुभान यार, ये जितनी सुभान अल्लाह तुसी मेनू दित्ती है ना, ए मैं तुहानू वापस कीती ते दोबारा सुनाना। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं समझ आती युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा कोई भी गुलाम ऐसा नहीं कि जेड़ा मेरे ते दुरूद ओ सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। फिर मेरे नबी ने शाबाश कीती, या रसूल अल्लाह, कुल मा तादम फातत, जब तुसी इस दुनिया दा पर्दा फरमा जाओगे फिर भी अपने गुलामों दा दुरूद ओ सलाम सुनोगे। मेरे नबी ने जवाब देते फरमाया, या अस्मा ओ सलाम आल मोहम्मद, या रहमत, या जब लाहौर शफाअत यौमल कियामा। फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया ते रहंदे मेरे ते मोहब्बत नाल प्यार नाल इश्क नाल शौक नाल शौक नाल दुनिया दे किसे कोने च बैठे मेरे ते दिल दे सलाम पढ़े मैं मोहब्बत ओदा सलाम सुणांगा वी ओदे सलाम दा जवाब वी देवांगा ते मैं कल कयामत आले दिन अपने नाल जन्नत वी लेके जावांगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओए बोलो ते सही। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हुण तुहाडा दिल ले ते मैं एक हदीस होर सुना दियां। सुभान अल्लाह। अंकल जी, इन्हां नूं एक हदीस होर सुना दईए। सुभान अल्लाह। फिर सुभान अल्लाह ते बोलो ना। अच्छा अगली हदीस सुनो। साईं परमेंद्र ऐ मेरे सहाबा, साईं परमेंद्र ऐ मेरे सहाबा, जेड़ा मेरे मेरी बात की समझ आ रही है। आखो ते मैं एक हदीस और सुना देना। सुभान अल्लाह। बोलो ते सही। सुभान अल्लाह। एक हदीस और आवे आवे यार, फिर तुहाडी सुभान अल्लाह भी आवे। सुभान अल्लाह। चलो जी, आप भी हदीस सुनना। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, हुन जेड़ा बंदा कहता है ना कि मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलनी, तगड़ा होवे। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा,